हाय फ्रेंड्स, लेट्स मेक गोलगप्पा टुडे विच इज़ बीइंग लव्ड बाय अस ऑल, जो कि हम सबको बहुत पसंद है। आज ये वीडियो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। आटे के गोलगप्पे वैसे ही बहुत लाइट होते हैं खाने में, तो चलिए शुरू करते हैं। 1/4 कप सेमोलिना, दैट इज़ सूजी। 1 कप आटा, दैट इज़ होल व्हीट फ्लार। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर चाहिए। 2/3 कप ऑफ वाटर, 2/3 कप पानी। चलिए अब बाउल ले लेते हैं। लेट्स टेक अ बाउल। नाउ विल ऐड आवर फ्लावर, दैट इज आटा इन इट, होल व्हीट फ्लावर, आवर सेमोलिना, दैट इज सूजी। देन बेकिंग पाउडर डाल देंगे इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विल मिक्स इट वेल विद अवर हैंड और स्पून, वट एवर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, हाथ से या चम्मच से, किसी भी चीज़ से। इस तरीके से अब पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, आटा गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। विल मेक अ डो by adding little amounts of water, इस तरीके से आटे को गूंदेंगे, बीच में थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इस पूरे प्रोसेस में 2/3 कप से कम ही पानी लगेगा। इट विल टेक लेस देन 2/3 कप ऑफ वाटर फॉर मेकिंग दिस डो। नाउ द डो इज़ रेडी लाइक दिस। यू कैन सी दिस इज़ नाइदर टू हार्ड और नॉट टू सॉफ्ट, ये ना कि ज़्यादा सख्त है ना ही मुलायम। इस तरीके से देख लीजिए आप, इसी तरीके का होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस। नाउ विल बी कवरिंग इट एंड प्लेसिंग इट असाइड फॉर 20 to 25 मिनट्स। इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। फिर लेंगे एक बाउल में तेल। ये आटा हमने 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रखा हुआ था, अब इसे मथेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से। विल हैव टू मैश द आटा द डो for 5 minutes like this by applying little oil on it so that it gives us a smooth dough. इस तरीके से एक अच्छा सा आटा हमारे पास निकल के आएगा। अच्छे से करेंगे 5 मिनट तक। इस तरीके से देखिए, अब हमने यह मथ लिया है इसे 5 मिनट तक, और ये इस तरीके का होगा। थोड़ा स्मूथ दिख रहा है या नहीं आपको, देखिए। अब फिर से इसे 15 मिनट के लिए ढककर हम रख देंगे। विल प्लेस इट असाइड फॉर 15 मिनट्स मोर, जस्ट कवर इट एंड प्लेस इट असाइड फॉर 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स विल टेक अ रोलिंग पिन, बेलन लेंगे। विल अप्लाई ऑयल ऑन इट, अ लिटिल ऑयल, तेल लगा लेंगे उस पर, ताकि जब हम गोलगप्पे बनाएं तो चिपके नहीं, सो दैट आवर गोलगप्पा विल नॉट स्टिक टू इट। नाउ विल टेक द डो एंड डिवाइड इट इन स्मॉल पोर्शंस। विल टेक स्मॉल पोर्शंस ओनली, टेक आटा इन स्मॉल पोर्शंस, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। आटे को अच्छे से रोल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे। विल रोल द आटा द डो प्रॉपरली इनटू अ थिन वन एंड टेक स्मॉल पोर्शंस आउट ऑफ इट लाइक दिस। आप इसको इसी तरीके से ले ना कि एक पूरा वो रोल करके उसमें से कट करें। अगर आपने कट किया उसे किसी भी कुकी कटर से तो वो फूलेंगे नहीं। जिस तरीके के आप चाहते हैं वैसे गोलगप्पे नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए आप इसी तरीके से लें इनको, क्योंकि ये होल व्हीट फ्लावर आटे के गोलगप्पे हैं। इस तरीके से आप देखें, मैंने सब तोड़ लिए हैं। नाउ वी हैव अप्लाइड ऑयल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, तेल लगा लिया अपने प्लेटफॉर्म पे। इसे बॉल की तरह
पेड़ा बना लेंगे, विल बी रोलिंग इट इंटू अ बॉल लाइक दिस, नाउ विल बी रोलिंग इट विद आर रोलिंग पिन। अब बेलन से बेल लेंगे इसे, ना तो ज़्यादा मोटा बेलें ना ही ज़्यादा पतला। डोंट रोल इट टू थिक और टू थिन, इफ़ यू आर गोइंग टू रोल इट थिक, अगर ये मोटा होगा तो ये सॉफ्ट रह जाएगा, इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी थिन पतला होगा तो फूलेगा नहीं। इसी तरीके से बॉल्स बना लेंगे सारी, चाहे तो एक ही बार सारी बॉल्स बना लें और फिर एक साथ बेल लें, लेकिन आटा छोटे छोटे पोर्शंस में ही लें। अगर आप सारा आटा एक साथ ही ले रहे हैं तो उसे गीले कपड़े से ढक करके रखें, जो आप ये गोलगप्पे बनाते जा रहे हैं इन्हें आपको गीले कपड़े से ढक करके रखना है, पतले मसलिन क्लॉथ से। अब हमने एक तेल ले लिया है, वी हैव टेकन ऑयल इन अ पैन एंड लेट इट ऑन मीडियम फ्लेम। व्हेन इट्स गोइंग टू बी रेडी फॉर यूज़ लेट्स चेक इट। सो चेक कर लेंगे, देखिए अब तेल तैयार है गोलगप्पे बनाने के लिए, ये देखिए। नाउ विल बी एडिंग अवर गोलगप्पाज इनटू द ऑयल। अब हम डालेंगे जो हमने गोलगप्पे बनाए थे इस तरीके से, विल हैव टू प्रेस द गोलगप्पा अदरवाइज इट विल नॉट बी अ गुड वन। देखिए इसे दबाना ज़रूरी है और नहीं ऊपर को फूल कर नहीं आएगा इस तरीके से। इसको मीडियम से लो आंच पे ही बनाना है, विल हैव टू कुक इट और मेक इट ऑन लो टू मीडियम फ्लेम ओनली, वरना ये जल जाएंगे, अदरवाइज दे विल बी बर्न, दिल बर्न लाइक दिस। अगर एक आध बीच में एक दो ख़राब भी हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इफ़ यू सी वन और टू इज़ नॉट गोइंग टू अ प्रॉपर साइड डोंट बी अफ्रेड, डोंट पैनिक, इट इज़ द पार्ट ऑफ कुकिंग लाइक विल हैव टू फ्राई इट फ्रॉम बोथ द साइड्स ताकि वी कैन गेट गुड गोल के पास लाइक दिस। ये हो गए हैं, नाउ वी आर टेकिंग देम आउट, दे आर रेडी अवर गोलगप्पास। यू कैन मेक द रेस्ट ऑफ देम लाइक दिस ओनली, इसे अच्छे से निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर या किसी भी चीज़ पर, ताकि जो एक्सेस ऑयल है विल बी टेकिंग आउट ऑन द टिश्यू, सो दैट द एक्सेस ऑयल इज एब्जॉर्ब बाय द टिश्यू ओनली। सो How do you like the video? Do give it a thumbs up and subscribe our channel. Thank you for watching.